दूधामठिया गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था मोहनलाल। वह बहुत बुजुर्ग होने के कारण उन्हें चलने में जरा परेशानी होती थी। बीबी स्वर्ग सिधार गई थी और बेटा और बहू बाहर शहर में रहते थे। इस उम्र में भी उनका देखभाल करने वाला बस उनका एक नौकर राजू ही था, लेकिन वह भी कोई खास ध्यान नहीं देता था, बस उसे अपनी पगार से मतलब थी। एक दिन राजू भी तंग होकर भाग गया। फिर एक दिन मोहनलाल ने अपने बेटे सतीश को फोन लगाया और कहा, कैसे हो बेटे? ठीक हूं पापा, आप अपना ख्याल रखिए। बेटा मैं कह रहा था। पापा मैं थोड़ा बिजी हूं, आपको बाद में कॉल करता हूं। हाँ बेटे। तब तक सतीश उधर से फोन काट चुका था। मोहन और उसकी बीबी मालती दोनों नौकरी करते थे और उनका बेटा कार्तिक छोटा था जो स्कूल जाता था। एक दिन जब वो स्कूल से आया तो बोला, मां कल से हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, क्यों ना हम इस बार भी दादाजी के यहाँ चलें? ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। दूसरे रूम में सतीश बैठा हुआ अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी मालती बोली, सुनिए जी, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार हम छुट्टियों में गांव चले ससुर जी के पास, वहां कोई उनको देखने वाला भी नहीं है। काम तो बहुत है मालती। काम तो जिंदगी भर करना है, कार्तिक भी जिद कर रहा है। वैसे भी मेरा और आपका तो एक ही ऑफिस है और इस ऑफिस का ब्रांच वहाँ भी तो है, तो हम अपना काम कुछ दिनों के लिए वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है चलेंगे बाबा। कुछ दिनों बाद सतीश अपने बीबी और बच्चे को लेकर गांव पहुंचा और पहुंचकर देखा कि उसके पिता मोहनलाल बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके बगल में दो कंपाउंडर हैं। यह देख सतीश चौंक गया और बोला, पिताजी आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? तभी एक कंपाउंडर ने बोला, सर अभी इनको नींद का इंजेक्शन दिया है। क्यों? सर इनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए इनको नींद का इंजेक्शन दिया हूं, और इनका बच पाना बहुत मुश्किल है, लगभग अब कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकते हैं। यह सुनकर सतीश शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कब और कैसे हुआ। तभी कार्तिक ने अपने पापा से पूछा, पापा दादाजी को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटे, दादाजी अभी सोए हुए हैं, कुछ देर में उठ जाएंगे। तुम दादाजी को परेशान मत करना, दादाजी जब सोकर उठेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है? कुछ देर बाद मोहनलाल को होश आया। तभी वहां कार्तिक आया। कार्तिक को देख मोहनलाल बहुत खुश हो गए। कार्तिक भी दौड़ के बेड पर चढ़ गया। दादाजी के आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। तुम लोग कब आए बेटे? जब हम आए आप सोए हुए थे। अच्छा। तभी सतीश और मालती आते हैं और मोहनलाल के पैर छूते हैं। तब सतीश बोलता है, पापा अचानक से ये सब कैसे हुआ, आपने बताया नहीं। बेटे बताने का मौका ही कहाँ मिला, सब अचानक हो गया। दूसरे दिन सुबह सतीश ऑफिस जाते वक्त कार्तिक से कहा, बेटा हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम दादाजी को ज्यादा परेशान मत करना। यह बोलकर सतीश और मालती दोनों अपने काम पर निकल गए। कुछ देर बाद कार्तिक अपने दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी अगले बार जब मैं आया था तब आपने अपने हाथों से बहुत मस्त मैगी बनाई थी, फिर से बनाइए ना दादाजी। यह सुनकर कंपाउंडर कार्तिक को डांटता है, पर मोहनलाल उन दोनों कंपाउंडर को डांट लगा देते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों चुप करो और आकर मेरी मदद करो। कंपाउंडर सोच में पड़ गए कि जो इंसान
कल तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, वह आज मैगी बनाने की बात कर रहा है। यह बदलाव से वह आश्चर्यचकित हो गए। मैगी खाकर कार्तिक मोहनलाल को अपने साथ खेलने के लिए बोला। क्या दादाजी, आप दिन भर सोए हुए रहते हैं, आइए ना खेलते हैं। हाँ चलो। दोनों कंपाउंडर यह देख मोहनलाल को खेलने से मना करते हैं, पर मोहनलाल नहीं मानते। उनके शरीर में इस बदलाव को देखकर कंपाउंडर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब मोहनलाल बोलते हैं, तुम नहीं समझोगे, अपनों का साथ में रहना क्या होता है। बेटा और बहू के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, पर मेरा पोता मेरी जान है और मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है। तो देखा दोस्तों, जो काम दवाई नहीं कर पाई वह प्यार ने कर दिखाया। दोस्तों, अपनों के लिए वक्त निकालिए और उनके साथ वक्त गुजारिए। यमुना नगर में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके दो बच्चे थे, लड़के का नाम था श्याम और लड़की का नाम था पायल। श्याम अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमने फिरने में व्यस्त रहता था और पायल अपनी पढ़ाई में। रामू एक सेठ के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और खाने के बाद जो पैसे बचते थे उसे पायल की शादी के लिए रख देता। एक दिन जब रामू अपने गुल्लक में पैसे डाल रहा था, तभी पायल ने कहा, पिताजी मैं आपको हमेशा देखती हूँ, आप इस गुल्लक में हमेशा कुछ ना कुछ पैसे डालते रहते हैं, आप किसके लिए बचाते हैं ये पैसे? और किसके लिए बेटा, बेटियां माता पिता की जिम्मेदारी होती है और पिता के कंधे का बोझ होती है, जिसको पिता उनकी शादी करके बोझ से मुक्त होते हैं। पिताजी मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं खुद का एक मुकाम बनाऊंगी, बस मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए। ठीक है बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह बोलकर रामू वहां से चला जाता है। इसके बाद पायल और भी मन लगाकर पढ़ने लगती है, दिन और रात नहीं देखती है। कुछ दिन बाद पायल की ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है। रामू बहुत खुश होता है और बोलता है, आज दो दो खुशखबरी आई है। कैसी खुशखबरी पिताजी? तभी पायल की माँ आकर बोलती है, एक तो आज तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है और दूसरी आज तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। रिश्ता? हाँ बेटे, लड़का एक सरकारी दफ्तर में पियोन का काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। पर पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। बेटा वो तो हम समझ रहे हैं, पर तुम ये सब शादी के बाद भी तो कर सकती हो ना। पिताजी आप कुछ वक्त और रुक जाइए, अगले साल तक। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह बोलकर रामू अपने काम पर चला जाता है और पायल घर में। हे भगवान, मैं फॉर्म तो भर रही हूँ पर सब अब तेरे हाथों में है, मैं मेरे गांव और समाज का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सुबह मुर्गे के आवाज के साथ पायल की नींद खुलती है। पायल अपने माँ पापा का पैर छूके आशीर्वाद लेती है और एग्जाम देने के लिए जाती है। एग्जाम देकर जब पायल अपने घर आती है तो देखती है एक आदमी और एक औरत उसके माँ पापा से बातें कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, आपको दहेज तो देनी ही पड़ेगी, हमारा लड़का रेलवे में काम करता है। हमारा लड़का 20,000 रुपए महीना कमाता है, ऐसे कैसे मुफ्त में शादी कर लेंगे? हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, अब आपको सौंप रहे हैं, इससे बड़ी धन हम आपको क्या दे सकते हैं? रामू जी आपकी बात हम समझ रहे हैं, पर हमारी बात भी तो समझिए, हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस 5,00,000 रुपया ही तो मांग रहे हैं। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, हम तो अपनी औकात से दे ही रहे हैं। माफ कीजिए भैया। यह बोलकर वह आदमी और औरत कम दहेज के कारण वहां से चले जाते हैं। यह सब पायल गेट के पीछे खड़ी होकर सुनती रहती है। उसे इस बात की तकलीफ होती है, वह सोचती है,
क्या लड़की होना गुनाह है? हम किसी पे बोझ नहीं, हम भी अपना मुकाम बना सकते हैं अपनी मेहनत से। डाकिया साइकिल से आता है और एक चिट्ठी निकालकर रामू को देता है। रामू के हाथों से पायल वह चिट्ठी लेकर देखती है और खुशी से झूमने लगती है। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? माँ पिताजी, मैं पास हो गई हूँ और ये रही मेरी जॉइनिंग लेटर। सच बेटी? हाँ पिताजी। सारे खुशी से झूमने लगते हैं, खुशहाली की लहर दौड़ जाती है। तो देखा बच्चों, कैसे पायल ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल किया। अगर हम किसी चीज की दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो हम हर मंजिल जरूर हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।